हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी स्पेशल रेसिपी है वो बिल्कुल देसी स्टाइल में हॉट डॉग बनाने की है। तो मैंने इसे बहुत ही इजी तरह से बनाया है ताकि आप सब लोग इसे बना करके बहुत ही आसानी से खा सकें, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बंद लिया है, तो मेरे पास गोल वाला ही बंद था तो मैंने उसे साइड से कट करके लंबा कर दिया है और उसमें बीच में से मैंने कट लगा दिया है। इसके अंदर हम फिलिंग को भरेंगे और यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा चीज़ लिया है और लाल मिर्ची लिए हैं, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। आधा मैंने लेमन लिया है और आधा मैंने कैप्सिकम लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। मैंने आधी कटोरी पनीर लिया है मैश किया हुआ, एक कटोरी सोयाबीन लिया है जिसे मैंने गर्म पानी में डाल करके रखा था 10 मिनट के लिए, एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, और सोया सॉस लिया है। अब हम सबसे पहले सॉस बनाएंगे, तो उसके लिए मैं पैन को रखूँगी और उसमें एक चम्मच ऑयल डालूँगी। उसके बाद से इसमें मैं लहसुन और अदरक को डाल दूँगी। लहसुन अदरक डालने के बाद से इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये सॉस बहुत ही टेस्टी बनता है, इसका यूज़ आप पिज़्ज़ा बनाने में और या फिर आप इसे मोमोज के साथ भी खा सकते हैं। अब प्याज को डाल दूंगी और प्याज डालकर भी हम इसे भुनेंगे। तो हल्का ब्राउन होने के बाद से मैं इसमें टमाटर को भी डाल दूंगी, और टमाटर डालने के बाद से इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची को डाल दूंगी, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप एक ही दो डालें। और इसमें मैं अब आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच चीनी, ये दोनों डालूंगी और डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी को डाल देंगे। पानी डालने के बाद से हम इसे, जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाएंगे तब तक हम इसे पकाएंगे, और पानी को भी हम सुखा लेंगे अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें आधा नींबू लिया था उसका भी रस डाल दूंगी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मेरे टमाटर भी गल गए हैं, तो अब इसमें मैं आधा चम्मच सोया सॉस डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब जो है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करने के बाद से हम इसे एक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो चटनी बनकर रेडी हो गया है। अब हम हॉट डॉग का फिलिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए पैन में बटर डालूंगी। बटर डालने के बाद से इसमें मैं कैप्सिकम को डालूंगी और इसे भून लेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की और भी कोई सब्जी इसमें डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं जो मैंने सोयाबीन लिया था उसे मैंने अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस लिया है, अब उसके भी डाल करके अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे। आप सोयाबीन की जगह पे आलू भी डाल सकते हैं बॉयल करके। अब इसमें मैं थोड़ा सा ही नमक डालूंगी क्योंकि जो मैंने चटनी बनाई है वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। अब जो मैंने पनीर लिया था उसको भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे भूनते रहेंगे, और इसमें मैं दो चम्मच जो मैंने चटनी बनाई थी वो डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा जो फिलिंग है वो बन करके रेडी हो गया। तो एक मैंने इस तरह से हॉट डॉग में डालने के लिए बना लिया है और एक को ऐसे ही छोड़ दिया है फिलिंग को, मैं उसे ऐसे ही डालूंगी। मैं दोनों तरह से आपको बना करके दिखाऊंगी। अब हमें जो मैंने बंद लिया था उसे सेक लेना है बटर डाल करके अच्छी तरह से। तो अगर आपको भी लंबे वाले बंद नहीं मिलते हैं तो इस तरह से आप गोल वाले बंद को ही कट करके लंबा वाला बना सकते हैं और उससे हॉट डॉग बना करके खा सकते हैं। अब हमें फिलिंग को भरना है, तो सबसे पहले मैं इसमें चीज़ को डालूंगी। चीज़ डालने के बाद से इसमें जो चटनी बनाई थी मैंने उसे भी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है तो आप इस चटनी की जगह पे आप टमाटो चटनी भी डाल सकते हैं, टमाटो केचप डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने जो स्टफिंग फिलिंग बनाई है उसको डालूंगी इस तरह से। ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन है क्योंकि मैंने पनीर और सोयाबीन दोनों ही डाला है। पनीर और सोयाबीन दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है,
तो इस तरह से हम दोनों, देखिए कैसे मैंने दोनों फिलिंग करके आपको दिखाया है। आप दोनों जिस तरह से आपकी इच्छा हो उस तरह से आप बना करके खा सकते हैं। ऊपर से इसमें मैं चीज़ डाल दूंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे एक मिनट के लिए ओवन में गर्म भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऊपर से मैंने चीज़ डाला है वो मेल्ट हो जाए। अब ऊपर से मैं इसमें धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ इसे ज़रूर से आप एक बार बना करके खाइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।